وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. हदीस की छह मशहूर किताबों में से एक का नाम सुनन अबी दाऊद है। उसके अंदर एक सही रवायत है, जा रजुल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कि जारियतिन आजमियतिन, एक लौंडी के साथ जो कि अरब नहीं थी अजमी थी। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, तो उसने आकर अर्ज़ की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अलैया रकबतन मुअमिनतन फ़ातक हाज़िही, एक लौंडी को आज़ाद करना मेरे ज़िम्मे है, आप इसको देखें, अगर ये मोमिन है तो फिर इसको आज़ाद कर दिया जाए। फ़क़ाल लहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी से पूछा, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? फ़अशारत इलस्समा, उसने आसमान की तरफ इशारा किया कि अल्लाह आसमानों पर। फ़क़ाल फ़मन आना, फिर आपने पूछा कि मैं कौन? फ़अशारत इलैया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसने इशारा किया कि रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। सुम्मा इलस्समा, आसमानों वालों वाले के आप रसूल हैं, ये उसने इशारा किया। अल्लाह के बारे में पूछा, आसमानों की तरफ इशारा, आपकी तरफ आपने अपने बारे पूछा, तो कहने लगी आप उस आसमानों वालों के रसूल हैं। आला, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आतिक़हा, आज़ाद कर दे इसको, फ़इन्नहा मुमिना, ये मोमिना है। सिर्फ दो सवाल, और दो सवालों की बुनियाद पर वो मोमिन साबित हो गई और आज़ादी उसका हक बन गया। क्या अगर हमसे ये दो सवाल पूछे जाएं तो हम पास होंगे? मेरे ख्याल में क्या फलसफी, क्या पढ़ा, क्या अनपढ़, हम इसमें पास नहीं होंगे। हमारा तो ये अकीदा ही नहीं अल्लाह के बारे में कि अल्लाह अर्श पर है, आसमानों पर, हमारा अकीदा क्या है? जिधर देखता हूँ तू ही तू है, पत्ते पत्ते में तू है, बूटे बूटे में तू है, गली गली में तू है, गली गली में पता नहीं क्या 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 क्या, क्या अकीदे बना रखे हैं। और उधर क्या था कि ये जो सहाबी आ रहे हैं, ये इनकी वालदा ने इनको नसीहत की थी, शरीद बिन सुवैद इनका नाम था, और उसने कहा कि अगर मैं फौत हो जाऊँ ना, तो मेरी तरफ से तूने एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है, लेकिन वो ग़ुलाम मोमिन होना चाहिए, तब आज़ाद करना है। अब वालदा की वसीयत को पूरा करने की खातिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होते हैं। वजह क्या है कि फौत शुदा की वसीयत अगर शर्म जायज़ हो तो वारसों को पहले पूरा करना लाजमी है, तकसीम बाद में होगी। हमारे यहाँ क्या है कि वसीयत भूल जाती है और सारा पैसा हम बतौर वारस हड़प कर जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए बेशक क्यों ना हो, वो जिसने छोड़े हैं, जिसने को वसीयत की थी थोड़ी बहुत नेकी की, अपने तौर पे भी नहीं करते माजरत के साथ। मैं अपने से भी सवाल करता हूँ, आप अपने से सवाल करें कि हर एक के माँ बाप ने कोई कच्चा कोठा, कोई पक्का कोठा, कोई खोखा, कोई दुकान, कोई किला, कोई रकबा, कोई कारोबार दिया है ना, कभी हमने उनके हवाले से दबड़ी खर्च की है? हर बंदा अपने आप से सवाल करे, देखे कि उनके हम लाखों खा रहे हैं लेकिन उनके लिए कभी हम एक दबड़ी भी खर्च नहीं करते। ये तो हमारा हाल है, ये तो है वैसे उनसे एक ताल्लुक़ की खातिर, लेकिन वो ताल्लुक़ कैसा निभा रहे हैं हर बंदा अपनी जगह पे गौर कर सकता है कि वो ताल्लुक़ मैं अपने माँ बाप के साथ जिन्होंने मुझे इतनी विरासत देकर गए हैं उसमें से क्या उनके लिए खर्च करता।
दूसरी तरफ जो है वो तो एक अपनी मर्जी पे है ना। ये मसला क्या है कि अगर मरने वाला वसीयत कर जाए तो उसके जो वारिस हैं वो तकसीम बाद में करेंगे, पहले वसीयत पूरी करनी है। अब ये जो शुरैद बिन सुवैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना, इनकी वालदा की वसीयत थी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, मेरी वालदा की ये नसीहत है, वसीयत है, मैं आज़ाद करना चाहता हूँ, आप इसका इम्तिहान ले, आप इसका इम्तिहान ले। हम नेकी करने निकलते हैं, ज़रूर करें, ज़रूर करें, अगर वो जान का मसला है तो काफ़र भी क्यों ना हो फिर भी उसकी मदद करें, कोई हर्ज नहीं जान बचाने की हद तक। लेकिन वैसे जो है ना, आप अपना माल खर्च करते वक्त ये देखा करें, ला या कुल तामा का इल्ला तकीन, को मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नेक हो, सही अकीदे वाला, उस पर खर्च किया करें। मुशरक मुशरकों के लिए बाढ़ में जाएँ ये सारे, आप देखें कि मैं अल्लाह के हुक्म से एक कोशिश करने वाला हूँ कि जायज़ कमाई हो, नजायज़ कमाई ना हो, मेरी कमाई मैंने पूरी कोशिश करके हलाल कमाई जो है वो जमा की है, तो अब उसको खाने वाले मुशरक क्यों? हुक्म दिया अल्लाह ने मुझे, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया, ला याकुल तामा का इल्ला तकीन, मुत्तकी तरह खाए। ये जो हम दोस्ती के हवाले से, रिश्तेदारी के हवाले से दावतें करते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, तो इसमें मेयार अपने कारोबार, अपने तल्लुकात, अपने मफादात को ना रखा करें, जो शरी मेयार है उसको रखा करें। और वो शरी मेयार क्या है कि आप देखा करें कि ये मुत्तकी है, बेजन तो भेज है, गरीब आदमी है, वो सबसे कीमती है अल्लाह के यहाँ। इन ना करोगा कभी अल्लाह अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ मालो दौलत वाला ज़्यादा दर्जे वाला नहीं, अल्लाह के यहाँ ज़्यादा दर्जे वाला कौन है? जो मुत्तकी है, जो तकवे वाला है। और हमको हुक्म ये दिया गया है कि आपने अपना माल या नेक लोगों पर खर्च करना है। बहरहाल ये वसीयत का मसला था, इसलिए वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं, जाकर अर्ज़ करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका टेस्ट लेते हैं लौंडी का, जो लौंडी लेकर वो गए थे, और वो लौंडी जो है उस टेस्ट में पास हो जाती है। और ये उसका पास होना को अनहोना नहीं, वजह क्या थी कि वो उस दौर में इस्लाम लाई थी, उस दौर में उसने ईमान कबूल किया था, जिस दौर में ना तो वो जो यूनानी फ़लसफे वो आए थे इस्लाम के अंदर, इनके अकीदे के अंदर, ना अजमी जो तसव्वुफ है उसकी अलाइश, उसकी आमेज़िश हुई थी, खालिस वो दीन था जो अल्लाह आसमानों से नाज़िल कर रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होंठों से बयान हो रहा था, बस और कुछ नहीं था उसमें। इसीलिए उस लौंडी ने, हालांकि लौंडी है, अजमी है, अरबी नहीं है, अब लौंडी जो बेचारी है उसकी अलग भी उसको नहीं पता होगा, लेकिन ईमान खड़ा था और वो कुरान की बुनियाद पर था, कुरान अल्लाह के बारे में क्या कहता है, सुमस्तवा अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, ज़मीन बनाए, आसमान बनाए, इन सब के बाद अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हो गया। अब उसका अर्श जो है सात आसमानों के ऊपर है और ये इतने बड़ा आसमान पहला जो हमें नज़र आ रहा है, इससे ऊपर दूसरा, उससे बड़ा तीसरा, सातवें तक, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, लेकिन अल्लाह के अर्श के मुकाबले में इनकी हैसियत क्या है? बहुत बड़ा ग्राउंड और उसके अंदर एक छल्ला सा पड़ा हो, बहुत बड़े ग्राउंड में एक छल्ले की कोई हैसियत है, कोई नस्बत है? कोई नस्बत नहीं। तो इन इतने बड़े बड़े आसमानों की अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ये हैसियत है। ये आयतें पढ़ें, हदीसें पढ़ें तो देखें कि अल्लाह का अर्श है उसकी मामला क्या है, और अल्लाह उस अर्श पर मुस्तवी है, सुम मस्तवा अलल अर्श, उसके बाद अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हो गया, युद्ध फिर उमर, वहाँ से सारे जहान के मामले जब अल्लाह चला रहा है। अल्लाह की ज़ात के बारे में अकीदा क्या रखना है, जो अल्लाह ने अपने बारे में हमें खूब तारफ़ करवाया, अल्लाह को अपनी अकल, अपनी समझ, अपने बड़े, अपने बरादरी, अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के मौलवी फलां फलां, इनसे नहीं पहचानना, अल्लाह को पहचानना जैसे वो अपनी पहचान खुद करवाए। इनमें से किसी की अल्लाह से मुलाकात नहीं, इनको क्या पता कि अल्लाह कैसा है कैसा नहीं है। वो मुलाकात थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से जो अल्लाह का तारक हो बरहक है, या अल्लाह खुद जो तारक करवाए बरहक, वो बरहक है। अब ये जो शायरों का तारक है जो हमारे दिल दिमाग में बैठा हुआ है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, पत्ते पत्ते में तू है, गली गली में, गली गली में, हर जगह पे अल्लाह को, बल्कि वो जो है ना शेर भी लोगों ने बना रखे हैं, वही जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। अब वो आसमानों पे तो छोड़ा ही नहीं, अर्श पे तो छोड़ा ही नहीं, उसको मदीने की गलियों में ला खड़ा किया है, वो अल्लाह ही आपका कैसा। अब आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, तो ये कोई कमाल तो नहीं है ना कि मैं कहूँ जी फलां ऐसे बैठा है, फलां ये कर रहा है, फलां के सूट का ये कलर है, फलां का टोपी ऐसी है, फलां फलां, ये तो देख कर हो रहा है, ये कोई कमाल है? कोई कमाल नहीं। कमाल क्या है? हो अर्श पर सात आसमानों से ऊपर, और गार के अंदर जो चींटी चल रही है उस चींटी के कदमों की आहट जो होगी उसको सुनाई दे, वो चींटी भी तारीख अंधेरों में उसको दिखाई दे, कमाल ये है। और ये अल्लाह का कमाल है, हमने उस अल्लाह को अर्श पे छोड़ा ही नहीं, उतर पड़ा हम मदीने में मुस्तफा होकर, और ये सारा जहान बड़े लह से लहरों से जो है ना लहक लह कर ये इस किस्म के शेर पढ़ते हैं, और फिर पता नहीं तरह तरह के नारे भी लगाते हैं। वो अल्लाह के बंदो, जिस अल्लाह को पहचान रहे हो, उस अल्लाह का सही तार पहले उससे पूछ लो कि या अल्लाह तो है कैसा, अल्लाह तो है कैसा। अल्लाह इस किस्म का तारा किसी जगह नहीं करवाता कि मैं फलां की शक्ल में आ गया हूँ, मैं बदल गया हूँ, मैं एक के दो बन गया हूँ, मैं एक के तीन बन गया हूँ, मैं एक के 33 करोड़ बन गया। ये आग के पूजा करने वाले, बहुत दफ़ा मैंने ये बात अर्ज़ की है, ये दो खुदाओं का कीदा रखते हैं, एक खैर का एक शर का। खैर वाला जो है वो यजदां है, तख्लीक कायनात के दिलचस्प तमाशे पे हंसता तो होगा यजदां भी कभी कभी, ये शायर आपके जो इसको इस्तेमाल करते हैं। और आहर बन जाए वो शर का खुदा है। अब दो खुदा है, मैंने बहुत दफ़ा ये बात अर्ज़ किया कि मुझे आज तक ये मौलवियों का नाम जो है ना यजदानी वाला समझ नहीं आया। आलिम हैं, बड़े बड़े आलम हैं, आपके इधर चलते फिरते बात करते हैं, उनके इश्तारों में नाम भी लिखे होते हैं, साथ जो है यजदानी लिखा होता है। अब जिसने अपने नाम के साथ यजदानी लिखा है, इसका मतलब है कि उसने ये फलसफा तस्लीम कर लिया कि दो खुदा हैं, एक शर वाला है, एक खैर वाला है, और जो खैर वाला है उसका नाम यजदान है, और मैं उसकी नस्बत से यजदानी बना बैठा हूँ। आप बेशक खैर वाले के बने हैं नुमाइंदे, उससे नस्बत जोड़ रहे हैं, लेकिन पीछे फलसफा तो आपने तस्लीम कर लिया कि दो खुदा है, ये दो में से एक है ना, और अल्लाह दो है। अल्लाह कहता कुल हुवल्लाह अहद, दो नहीं एक हूँ, यकता हूँ, तन्हा हूँ, मेरी जात में, मेरी सिफात में, मेरे कामों में कोई दूसरा मेरा शरीक नहीं है, ना ही मैं ये काया पलटता हूँ, अपनी हैत जो है वो तब्दील करता हूँ, जिस तरह के हिंदुओं के अकीदे हैं कि जो बहादुर आदमी है वो शेर की शक्ल में, जो बुजदिल है वो चूहे और कुत्ते की शक्ल में, पता नहीं क्या क्या अकीदे घर रखे हैं लोगों ने। तो ये जो अकीदे हैं ये इनके हैं फलसफे, ये इस्लाम का अकीदा नहीं, और अल्लाह का तो कतन कतन ये तारफ नहीं, अल्लाह का तो एक ही तारफ है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। लेकिन हमारे देख लें जगह जगह इस किस्म के शेर जो हम चलते हैं रियासत में, उधर वो जो है कोट मिठन और चाचड़ा, वहाँ क्या है, चाचड़ा वांग मदीना डिठे, कोट मिठन है बैतुल्ला, जाहर दे विच पीर फरीदन, बातन दे विच अल्लाह। चाचड़ा वांग मदीना डिठे, ये जो चाचड़ा शहर है ना जी, वहाँ ये राजनपुर से आगे जो ना उधर सिंध के किनारे, अब एक तरफ चाचड़ा है, दूसरे तरफ कोट मिठन है। अब वो कहते हैं ये जो चाचड़ा आपको नजर आ रहा है ना, ये चाचड़ा नहीं है, चाचड़ा वांग मदीना डिठे, ये तो मदीना जो है, मदीना मुनव्वरा नबी अलैहिस्सलाम का जो है हरम, ये उस जैसा है। चाचड़ा वांग मदीना डिठे, कोट मिठन है बैतुल्ला, और वो जो कोट मिठन है जहाँ बाबा फरीद का जो है वह मजार है, सारे सिलसिले हैं, तो उसको बैतुल्ला बना दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बैतुल्ला दुनिया में एक है, दूसरा नहीं हो सकता, जितने होंगे जाली होंगे, मर्दूद होंगे, उनका कोई मुकाम मरतबा नहीं, कोई हैसियत नहीं। ईमान खड़ा करें, ईमान खड़ा करें, लोगों से डरते फिरें, लोग क्या कहेंगे, लोग पसंद नहीं करते, इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे भी शौक कहने वाले हैं, लेकिन इस मिंबर का तकाजा क्या है, अगर यहाँ बैठकर अल्लाह का तौहीद का हक नहीं अदा कर सकते, ना बैठें, ना बैठें। और अगर आपने कलमा पढ़ा है तो फिर कलमे का हक अदा करें। कलमे का हक क्या है, वो मैं यकफुर बित्तागूत व यूमिन बिल्लाह, पहले अल्लाह के मुकाबले में जो आता है उसका इनकार करो,
तागूत क्या होता है? मा युअबदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के मुकाबले में जिसकी पूजा की जाए वो तागूत है। वो इंसान है, हवान है, चरिंदा है, परिंदा है, जिंदा है, मुर्दा है, वो लकड़ी का है, वो पत्थर का, जो कुछ भी है, मा युअबदु मिन दूनिल्लाह, जिसकी भी अल्लाह को छोड़कर पूजा की जाती है वो तागूत है। वह मैं यकफुर बित्तागूत, पहले तागूत का इनकार करो, वह युअमिन बिल्लाह, फिर अल्लाह पर ईमान जाओ, वो तुम्हारा दुरुस्त होगा वरना नहीं। और यही वो सबक है जो कलमे में हमें पहले सिखाया गया है। कलमे में ला इलाहा, कोई ला नहीं, और इस ला को जो अरबी वाले बैठे तशरीफ फरमाया वो जानते हैं, इसको ला नफी जिन्स का कहते हैं, यानी उस कैटेगरी में, उस किस्म में, छोटा बड़ा, जिंदा मुर्दा, अपना पराया, आज का, पहले का, किसी दौर का, किसी जगह का, किसी किस्म का, कोई भी झूठा खुदा जो है उसकी कोई हैसियत नहीं। सब की नफी कर दो, सबका इनकार कर दो, ला इलाहा, पहले इनकार करोगे फिर इल्लल्लाह, फिर इकरार है कि अल्लाह, अल्लाह की बारी बाद में है, पहले इनकार है। और ये कोई पेचीदा फलसफा नहीं, बड़ा सादा फलसफा है, बड़ा ही सादा फलसफा है। आपने सफाई करनी है, उसके बाद खुशबू बिखेरनी है। अब गंदगी का ढेर, उसको आप हटाएं ना, वहाँ चूहा मरा पड़ा है उसको आप हटाएं ना, और ऊपर खुशबू बिखेरते फिरें, खुशबू आएगी? कभी नहीं आएगी। बदबू ही गालिब आएगी, बदबू ही गालिब रहेगी, खुशबू नहीं आएगी। अगर आप खुशबू बिखेरना चाहते हैं, पहले गंदगी हटानी होगी, पहले गंदगी हटानी होगी। और इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरक नजस है, मुशरक पलीद है, मुशरक गंदा है, ये शिरक गंदगी है। अब इस गंदगी को पहले हटाओ, फिर इल्लल्लाह की बारी आएगी। हम सारी उम्र कलमा भी पढ़ते रहते हैं और मज़ार की हाज़िरी उसमें रत्ती नागा नहीं करते, वहाँ भी बड़े टाइम पे पहुँचते हैं और खाली हाथ भी नहीं पहुँचते मस्जिद में, खाली हाथ मौलवी तरले लाला मर जाए कभी, वो हिस्सा भी डालने के लिए तैयार नहीं होते। और वहाँ मैं देखता हूँ इतने लाख, जी मैं इस दफ़ा शफी साहबाद के मज़ार पे जाना, वो मेले पे गया था, इतने लाख खर्च करके आया, खुलियाँ ही बेलना, खुलियाँ ही बेलना। अब वहाँ क्या है, फ़र्क क्या है? जिस अल्लाह को मानकर उस अल्लाह के घर आते हैं, वहाँ हमारा खर्च करने को जी नहीं जाता, आने को जी नहीं जाता। माजरत के साथ, कभी अपने ईमान का जायज़ा लेना हो ना, तो जब अजान हो तो उस वक्त देखा करें कि मेरे दिल की कैफियत क्या है। अल्लाह की तरफ से मुझे बुलाया आया, अब मुझे जो है ना, मेरे दिल के अंदर कोई फरहत, कोई खुशी, अल्लाह तूने मुझे बुलाया, मैं गुनाहगार, मैं आजज, मैं हकीर सा, तू अर्शों वाला, सारे जहान का मालिक, तू मुझे कह रहा है हय्याल सला हय्याल फला, आजा इधर, आजा इधर, तेरी फला, तेरी कामयाबी इसमें है। कभी मेरे दिल में अजान सुनकर खुशी की लहर पैदा होती है? या मुशरकों की तरह जब अल्लाह वाहद का नाम लिया जाए तो इज्जत कुलूबों, उनके दिल सौड़े पड़ते हैं, तंग पड़ते हैं, उनको बड़ा इनकबाज होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है? ओ यार मैं तो जो काम करना सीखा थे अजान मौलवी ने दे भी दी थी, दे ले रहे, मुझे तो ये बंदा आया था मिलने, मेरा तो अभी ये काम था, वो काम था। यानी हम अपने कामों का जायज़ा लेते हैं और रत्ती बराबर खुशी का इजहार ना हमारे चेहरे से ना हमारे मुंह से अदा होता है। ये हमारा अल्लाह से ताल्लुक है। और जब वो चाहत वाला, मोहब्बत वाला को आपको बुला ले, बड़े उहदे वाला आपको बुला ले, तो आपके पाँव ज़मीन पर भी नहीं लगते, मुझे जी वज़ीर आला ने बुलाया, मुझे वज़ीर आज़म ने बुलाया, फ़लाँ ने बुलाया, फ़लाँ ने बुलाया, और टिकते ही नहीं, मुझे फ़लाँ सदका आया, वो फ़लाँ मेरा बड़ा प्यारा, उसने मेरी आज दावत की है, मैंने आज जाना, हर एक को बताते फिरते हैं, तैयारियाँ करते फिरते हैं, एक चाहत, एक मोहब्बत, एक खुशी होती है। कभी अल्लाह के बुलावे पर भी ये खुशी नसीब हुई है? अल्लाह से अपने तल्ला का जायज़ा लेने का बड़ा ही सादा सा फार्मूला है, कोई लंबी चौड़ी किताबें और तकरीरें सुनने की ज़रूरत नहीं। जब अजान सुने उसके साथ अपने दिल को टटोला करें कि मेरे दिल में अब इससे क्या पैदा हो रहा है, इनके पास तंगी, घुटन, आवाज़ारी, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी ज़िंदगी में मुझे तूने मोहलत दे दी, अगर मेरा इससे पहले दाम निकल जाता तो मैंने कब ये बुलावा सुनना था और कब हाजिर होना था, ये तो तेरी मेहरबानी है। सारा जहान मस्जिद के आगे से गुजर जाता है, तूने मुझे तौफीक दी मैं आ गया हूँ, तो जितना भी शुक्र अदा करें यकीन जाने ये थोड़ा है। तो बहरहाल अल्लाह से तल्लक के ये मामले हैं, और अल्लाह के से तल्लक कब सही होगा? जब अल्लाह की सही पहचान होगी। मेरे साथ कमिश्नर बैठा हो, एसी हो, डीसी हो, जज साहब हो, अल्लाह इन सबको इज्जत दे और दे और दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिल ना सौड़ा किया करे, तंग ना किया करे। अब मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं, मैंने कहा नहीं एक सवारी है बस, परा हो गया, परा हो गया,
और जब पता चल जाए कि ये फलां है, अब मैंने सुपुर्द जाना, मैंने जी सर जी बेचते ही चले जाना। वजह क्या कि मुझे पता चल गया ये कौन है। जब तक पता ना चले, तारफ ना, उस वक्त तक पहचान नहीं होती, उस वक्त तक ताल्लुक सही कायम नहीं होता। इसलिए अल्लाह के बारे में जब तक हमारी पहचान सही नहीं होगी, उस वक्त तक अल्लाह से ईमान दुरुस्त भी नहीं होगा। मक्के वाले मुशरिक थे, और मुशरिक कौन होता है जो अल्लाह को मानकर अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को भी खड़ा करता है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। सिर्फ मक्के वालों की बात नहीं, अल्लाह ने हमारी भी बात की है। ये जितने ईमान लाने वाले हैं, इनकी अक्सरियत का हाल ये है कि ये अक्सरियत अल्लाह पर ईमान जो लाकर बैठी है, उस ईमान में वो खालिसपन नहीं जो होना चाहिए, बल्कि इनके ईमान में मिलावट है, शिरक की मिलावट है। और शिरक कुरान ने कहा इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये नजस है, निजासत है, पलीदी है। और जितना मर्जी खालिस दूध हो, जितना मर्जी ज़्यादा, सिर्फ एक कतरा पेशाब का, सिर्फ एक कतरा आपका सारा दूध बेकार करता कि नहीं करता, सिर्फ एक कतरा। उधर दो चार दस मन दूध क्यों ना हो, लेकिन वो एक कतरा उसको बेकार कर देता है। तो यही मामला इस शिरक का है। जितनी मर्जी आप नेकियां करते फिरें, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये वो पता नहीं क्या कुछ करते फिरें, लेकिन अगर शिरक किसी जगह पर भी है, तो फिर जो है वो नेकियां वो उसी तरह बर्बाद हो जाती हैं जिस तरह आपका खालिस दूध एक कतरा पेशाब से बर्बाद हो जाता है। इसलिए नेकी करने से पहले अपना ईमान खड़ा करें। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के में 13 साल यही काम किया था। ये तो मदीने में आकर ये 5 नमाजें जमात के साथ, ये साल के रोज़े, ये ज़कात, ये हज, ये फलां ये सब कुछ बहुत बाद में शुरू हो रहा है। वहाँ कुछ भी नहीं था, हल्का फुल्का सा था, मामूली सा था, वो भी छुप छुपा कर इतना खुले अजाने और ये वो नहीं था। क्यों नहीं था? असल वो ज़मीन तैयार करनी थी। अब ज़मींदारों का आ रहा है ना वो गंदम का मौसम, अब इन्होंने ज़मीन तैयार करनी है। अब हल सुहागा बार बार मार रहे थे, किस लिए? क्या ज़मीन बेहतरीन तैयार हो जाए ताकि कल कलां जब बीज डालें तो फिर बेहतरीन फसल हमें मिले। अच्छी फसल के लिए अच्छी ज़मीन तैयारी लाजमी है, उसके बगैर अच्छी फसल नसीब नहीं होती। इसी तरह अगर ईमान के लिए सही खेती तैयार नहीं की, और वो सही खेती क्या है कि वो आपका दिल, वो आपका दिमाग जिसमें आपने ईमान के बूटे लगाने हैं, जिसमें आपने अमल साले के बूटे लगाने हैं, वो उस तौहीद पर नहीं, उस ला इलाहा इल्लल्लाह पर नहीं जिसमें पहले इनकार है फिर इकरार है, तो बात नहीं बनेगी। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले नफी है, और नफी भी ला नफी जिन्स की है, किसी छोटे मोटे की गंजाइश। यही गंजाइश जो मक्के वाले मांगते थे कि आप इतनी सख्ती ना करें, आप ऐसे करें कि एक दिन आपके खुदा की हम पूजा कर लेंगे, एक दिन आप हमारे खुदाओं की कर लें, इतनी बर्मला नफी ना किया करें। और अल्लाह ने क्या सबक दिया? कुल या अय्युल काफिरून, कह दो उन काफिरों को ला अबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं मानता, नहीं मैं पूजा करता, नहीं है ही नहीं, अल्लाह के मुकाबले में दूसरा है ही नहीं, मैं क्यों करूँ, ये सौदा मुझे नहीं कबूल। हमारे यहाँ जो है वो सुलह कुल्ली का हमें सबक दिया जाता है, हमारे यहाँ जो है वो जी ये सबक दिया जाता है कि नहीं जी इस किस्म के सख्त रवैये जो है ना वो देखें ना, आखिर दौर कौन सा है, आपने लोगों के दरमियान ज़िंदगी बसर करनी है। इन लोगों के दरमियान ज़िंदगी बसर करने वालों को अगर ईमान की दौलत नसीब हो तो फिर रंग क्या होता है। ये सऊदीया वालों पर 100 इल्ज़ाम हैं, 100 लोगों के जो है ना उन पर गिले शिकवे हैं और बुझा है, लेकिन उस सब के साथ साथ उनका तौहीद का सबक जो है ना ता हाल पक्का है। अभी तक तौहीद का सबक पक्का है, और उसका नतीजा आपने देखा, दो चार दिन पहले इंडिया में बड़े बड़े पावरफुल जो मुल्क हैं उनकी मीटिंग होती है, और वो सारे के सारे जो है वो महात्मा गांधी की मड़ी पर जाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान नहीं जाता। मेरे ख्याल में शायद मोहम्मद बिन सलमान से जितने इंडिया वालों ने एग्रीमेंट किए हैं शायद किसी दूसरे मुल्क से नहीं किए होंगे, सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट उससे किए हैं। लेकिन वो कब्र पे नहीं गया, मड़ी पे नहीं गया,
तो क्या इन्होंने वो लत बन ली है, क्या है? उसको इन्होंने निकाल दिया कि जा निकल जा हमारे इस ग्रुप से, निकल जा G20 से, या तेरे साथ हम एग्रीमेंट नहीं करते। वो अपने अकीदे पे पक्का, ये अपने अकीदे पे, ये कुफर है वाला अपना अकीदा अपनाए फिर। अल्लाह इसको हदायत दे, दुआ करें, समझाएं, कोशिश करें, लेकिन खुद उसमें रंग में रंगे जाए। ये जितने वो तुर्की वाला और दूसरे तीसरे जाकर गर्दने झुकाए खड़े हैं, ये क्या है? ये ताज़ीम है। किसी की अजमत और बुराई के सामने अपने आप को झुका देना, ये उसकी बंदगी है, ये इबादत है, ये शिरक है, ये कुफर है। जितने मर्जी बड़े बनते फिर नहीं, ला यानी अहद अकुल अहद इल्लल्लाह, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं झुकना, नहीं किसी के लिए झुकना। अब हमारे यहाँ क्या है? नहीं जी, आखिर जिंदगी गुजारनी है मौलवी साहब, पता नहीं आप तो 14वीं सदी में 4थी सदी की बातें करते फिरते। 14वीं सदी में 4थी की बातें क्या? 14वीं सदी की मैं पहली सदी की बात करता हूँ, जो पहली मुसलमानों की सदी है, उसकी बात इसलिए करनी है, इसलिए माननी है, इसलिए अपनानी है, इसलिए दावत देनी है कि वो जितनी खरी है उसके बाद खरी है ही नहीं। भैंस के थनों से जब दूध निकलता है जितना खराब वो है, जैसे जैसे वो घर वालों की बाल्टी में गया, धोती के टिफ़न में गया और दुकानदार की कढ़ाई में गया, वो उतना खालिस नहीं रहता। 100 उसमें चीज़ें जमा होती चली जाती है। खरा कब है? जब वो भैंस के थनों से निकल रहा है। दीन खरा कब था? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल हो रहा था, आपकी सच्ची जुबान से बयान हो रहा था, आपके सुच्चे अमल से जाहिर हो रहा था, उस वक्त खरा था। और इसमें कोई किसी पर तनकीद नहीं, कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं, ये उस खरे दीन की बात है, जिस खरे दीन में अल्लाह का तारफ क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो ज़ात के अतबार से, सिफात के अतबार से, कामों के अतबार से यकता है, तनहा है, कोई इसका शरीक नहीं। रबिन्नास, मालिकन्नास, इलाहिन्नास, ये सूरत हम में से हर एक को याद है, हम बड़ी कसरत से पढ़ते हैं, लेकिन कभी इस पर गौर किया? कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, मैं पनाह मांगता हूँ उस लोगों के रब की जो मालिकन्नास, इनका बादशाह भी है। इलाहिन्नास, फिर वो इलाह है जिस इलाह के ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह माना कलमा पढ़कर, लेकिन इलाह का दर्जा कब है? पहले उसको रब मानना है कि पैदा करने वाला भी वो, पालने वाला भी वो। रब कहते ही उसे तरबिया तो शायर इला हद कमाल ही, किस जान को पैदा करे, पैदा करके उसके कमाल तक पहुंचाए, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खासा है, किसी दूसरे का खासा ही नहीं। कौन है जिसके पैदा होने से पहले इस जहान के अंदर इतनी मखलूकात थी, उनको पैदा कर रहा था? आज आप कहते हैं जी फलां हजरत, फलां सरकार, फलां मजार वाला, फलां ये, फलां वो, लेकिन जब ये पैदा नहीं हुआ था जहान तो उसको भी था। इसका मतलब है कि इसको बनाने वाला चलाने वाला उससे पहले है, और वो सबसे पहले है। ये तो उसकी मेहरबानी है कि उसने अपनी कुदरत के इजहार के लिए ये मखलूक पैदा कर दी, वरना पहले अल्लाह तन्हा था। अब अल्लाह की तन्हाई उसको को काटती थी या उसकी कोई मजबूरी थी? आप घर में तन्हा हैं, बड़ी कोठी है, आपको कोई पानी देने वाला नहीं, रोटी देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, आप तो मर जाएंगे। बदबू आएगी तो पता चलेगा हम सायों को कि अल्लाह का कोई ऐसा मामला है? अल्लाह की कोई मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये मखलूक सारी उसने जो पैदा किया किसी मजबूरी के तहत नहीं, अपनी कुदरत के इजहार के लिए किए। और इन मखलूकात की यकीन जाने कभी ये फसल के किनारे बैठ कर देखें, इतनी किस्म के कीड़े मकोड़े हैं, ना उनकी समझ आती है, ना उनके रंगों का पता चलता, ना उनकी टांगों का, मेदे का, लेकिन वो सारे हैं कि नहीं हैं? आपको यहाँ दर्द शुरू हो जाएगी यकदम। अब देखेंगे वो मच्छर सा, वो नज़र ही नहीं आता कम वक्त, वो आपको काट कर भी चला गया। अब वो कोई बनाने वाला है तो वो बनाए दुनिया की हर चीज़, तो रब कहते ही उसे हैं जो हर शहर को बनाता है फिर पालता है। तो पहला मरला ये है। दूसरा मरला क्या है? इलाह के लिए जिसको इलाह मानना, पहले उसे रब मानो कि मेरा पालने वाला वो है। हमने हर एक जी चौधरी साहब ताड़ा ही दिता खाने हैं, सरीहन शिरक है। इज्जत करें बड़ों की, दुआ करें अल्लाह इनको और दे दे, और दे दे, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं होती। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, अपने दिल जो है ना वो तंग नजरी वाले ना रखे, हसद वाले ना रखे, खुले दिल वाले रखे। देने वाला तो अल्लाह है, उसने इनको दिया आपको भी दे सकता है, मांगे खुले दिल से मांगे, लेकिन ये इनको खुदाई दर्जे पर ना चढ़ाया करें। वो जी चौधरी साहब ताड़ा ही दिता खाने, दादा तो अल्लाह है, अब आपने इसको दादा बना दिया, या किसी कब्र वाले को आपने दादा का नाम दे दिया और उसकी पूजा पाठ शुरू कर रखी है। तो ये मामले जो हैं ये रब के दर्जे में, रब वही है सिर्फ।
जिसको रब माना है, फिर मालिक नास उसको बादशाह भी मानना है। और बादशाह कौन होता है? जिसकी चलती है। अब कहने को हमारे मुल्क में वो निगरान वजीर आजम भी है, चलती मुल्क में उसकी है, चलती जनरल साहब की है। दो दिन उसने जरा कसा है, डॉलर नीचे आ गया, सोना नीचे आ गया। अभी रास्ते में मुझे फौजी साहब बता रहे थे, यार ये गोश्त पता नहीं 100-150 रुपये मुर्गी का नीचे आ गया है, अंडे की पेटी 1000 रुपये नीचे आ गई है। कैसे आ गई? कि जिसकी चलती है ना उसने थोड़ा सा पाँव मारा है। ये होता है बादशाह, कि जिसकी चलती है। अब इस जहान में किसकी चलती है? मालिक नास वो अल्लाह उसकी चलती है। ज़मीन आसमान इसके अंदर जो कुछ है बनाने वाला वही है, इख्तियार उसी का है। युदब्बिरुल अमर, तमाम मामलात की तदबीर वही करता है। अलाहुल खल्क वल अमर, पैदा भी वही करता है, आर्डर भी वही देता है। और इसके बाद फिर बारी आती है, पहले रब मानना है, फिर बादशाह मानना है। और बादशाह कैसा? लूला लगड़ा नहीं, कमज़ोर सा नहीं, लोगों से दब जाने वाला नहीं, बल्कि जिसकी चाहे जब चाहे गिची मरोड़ दे, उसको कोई पूछने वाला ना। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, हर लम्हे हर घड़ी माफ़ी मांगते रहना चाहिए। मराकेश में जलजला आया, बस्तियों की बस्तियां बराबर होगी, किसने पूछ लिया अल्लाह से? या अल्लाह ये तूने क्या किया? ला युसअलो, उससे नहीं पूछा जाता कि तू ये क्यों करता है। हाँ हर एक से पूछा जाएगा, लेकिन अल्लाह से नहीं पूछा जाता। अल्लाह ये है, असमद वो बेनियाज है, ला बेपनाह बेपरवाह है, नहीं उसको परवाह किसी की भी, लेकिन रत्ती बराबर जुल्म नहीं करता। कभी अपने दिल दिमाग में ये न लाए कि ये अल्लाह की तरफ से जुल्म हो रहा, नहीं, ये मेरी और आपकी अकल का फतूर है, ये नुक्स है, ये समझ की कमी है। हो सकता है एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी हो, मैं उसका बड़ा तलबगार हूँ, चाहत रखता हूँ, अल्लाह को नहीं मंजूर नहीं दे रहा। माजरत के साथ, जिनके आंगन में फूल नहीं खिले, जिनकी झोलियाँ जो हैं वो खाली हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अब ये क्या है? अल्लाह का अपना एक फैसला। जिसको चाहता नहीं देता। अब औलाद देना ना देना ये किसकी मर्जी है? ये अल्लाह की मर्जी। अब अल्लाह हर एक आंगन में ये नियमतें जो है ना वो जितनी उसके लिए मुनासिब है दे, अच्छी से अच्छी नियमतें दे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह ना दे, अब मेरा ईमान का तकाजा क्या है? मेरे ईमान का तकाजा क्या है कि मैं अल्लाह से रूठ जाऊं, मैं अल्लाह के गिले शिकवे कर दूं? जिस तरह के अक्सर हमारा रवैया है, थोड़ी सी तकलीफ आती है हम अल्लाह के गिले शिकवे करने शुरू कर देते हैं। इधर क्या ईमान तेरा? अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो वदूद है, रहम करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, सब कुछ अता करने वाला है। तो फिर ईमान का तकाजा क्या है कि अल्लाह ताला ने मेरा इम्तिहान लिया, किसी का सब्र की शक्ल में, किसी का शुक्र की शक्ल में। जिसको नेमत देता है उसका शुक्र की शक्ल में इम्तिहान ले रहा है, जिसको नहीं दे रहा कोई भी नेमत, बीमारी पे बीमारी, बीमारी पे बीमारी, आपका जोर हो गया, थक गए हैं, तंग आ गए हैं, अब आप अल्लाह के गिले शिकवे शुरू करने कर दें, तो ये क्या है? ये उस ईमान के मुनाफी है। जिस अल्लाह पर ईमान लाए हो, उस ईमान के अंदर अल्लाह के गिले नहीं। उस ईमान के अंदर क्या है? सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, जुल्म ज्यादती से वो पाक है। हदीस कुर्सी है, इन्नी हरम तो जुल्म अला नफ्सी, अल्लाह कहते हैं मैंने अपनी जात पर जुल्म हराम कर रखा। तो जिस अल्लाह पर ईमान लाए हैं, फिर उस अल्लाह के बारे में अकीदा क्या रखना है जो उसने खुद तारफ करवाया? ये अकीदे नहीं रखने जो लोगों ने गढ़े हैं, बल्कि जो कलमे में हमें सिखाया गया है उससे, उसी तरतीब से चलना भी वहाँ से है, तरतीब भी वही है। और उसमें क्या है? पहले ला इलाहा, जितने जो झूठे खुदा हैं, सच लकड़ी के, पत्थर के, यहाँ के, वहाँ के, आज के, 100 साल पुराने, 1000 साल पुराने, उन सब की पहले नफ़ी करो, इल्लल्लाह, फिर अल्लाह पर ईमान का दावा करो, फिर जाकर तुम अल्लाह पर ईमान में दुरुस्त होगे। अब कहने को सारे मुसलमान हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, अल्लाह भी इनकार नहीं करता। अल्लाह कहता हूँ माजो मैंने अक्सर बिल्ला, अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, लेकिन मुसीबत क्या है? इल्ला व मुशरिकून, साथ शिरक भी करते हैं। अब मस्जिद की तरफ हम नहीं आते, अल्लाह के घर जो हैं उधर हमारा इतना रुख, इतना तवज्जो, अकीदत वाला, मोहब्बत वाला वो रंग नहीं होता जितना एक मुशरक का एक दरबार के साथ होता है।
एक सरकार के साथ होता है, आखिर फर्क कहाँ है। यहाँ मौलवी बेचारा ओए मौलवी जीतन जिसको आप ओए कहकर बुलाते हैं, अब इसके लिए आपके दिल में कोई एहतराम नहीं। वहां क्या है भाई, सरकार पहुंचे ही सरकार, सरकार ही पहुंचे ही सरकार, सिर्फ सरकार नहीं। और उसके नतीजे में बिस्ते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं, अदबो एहतराम से वहां जो है ना वो सब कुछ करते हैं जो अल्लाह का हक है। क्या ये रंग है या नहीं? पहले उसको कहानियों में, बातों में, किस्सों में, वाजों में खुदाई दर्जे पर चढ़ाते हैं, इतना बड़ा दर्जा उसका चढ़ा कर फिर दिल में उसके लिए अकीदत मोहब्बत पैदा करके अब जितने भी मसाइल हैं उनके हल का वाहिद मरकज मरजा मंबा ठिकाना हस्ती वो सरकार होती है। और इसी का नतीजा है फिर ये इतनी अकीदत मोहब्बत से जाते भी हैं और सब कुछ करते हैं। अब जो मुश्किल आती है उसके लिए भी उधर ही रोक है, जो तकलीफ आई है उसके लिए भी उधर रोक है, जो बीमारी है उसके लिए भी उधर रोक है। औलाद नहीं हुई फिर भी वहीं जाकर अल्लाह से तो मायूस हो गए कि अल्लाह के तो खुदा ने खाली हो गए, वहाँ से मिलेगा। अब वहाँ से बेर मिल गया तो जी बेटा मिल गया, पत्ता मिल गया तो बेटी मिल गई, अल्लाह पता नहीं क्या क्या इस किस्म के अकीदे बना रखे हैं। दुश्मन जो है वो काबू नहीं आ रहा तो उसके सत्यानाश के लिए भी वहाँ, यानी सारी की सारी आस उम्मीद उस पर रखी है। क्या ये इस जहान के सिलसिले चलाते हैं? जिस दिन ये पैदा नहीं हुआ था वो सरकार जिसको आपने पता नहीं क्या कोई समझ रखा है, जिस दिन ये सरकार पैदा नहीं हुई थी जहान तो उस दिन भी चल रहा था। कौन चला रहा था उस दिन? युदब्बिरुल अमर, अल्लाह ही था जो सारे मामला तदबीरें करता था, चलाता था, वही था। लेकिन जब दिल के अंदर अल्लाह के बराबर आपने किसी सरकार की, किसी जात की, किसी हस्ती की, किसी दरबार की, किसी मज़ार की हैसियत बना ली कि मेरे तो सारे मसले वहाँ से हल होते हैं, अब आपका दिली तौर पे जो इबादत का मामला वो भी उधर ही है। दिल की इबादत क्या है? आस उम्मीद खौफ भरोसा तवक्कुल ये सारा अल्लाह से होना चाहिए। अब उधर क्या होता है? सारी उम्मीदें सरकारों से, दरबारों से, कलमा भी पढ़ रहे हैं और सारी आस उम्मीद उधर लगा रखी है। ये कलबी इबादत है और इबादत किसका हक है? ये सिर्फ अल्लाह का हक है, ये अल्लाह का हक है, किसी दूसरे का हक नहीं। उसके बाद बदनी इबादत देखें। अब तो ये जो मीडिया है ना इसके जहाँ बहुत से नुकसान आता फिर मैं इसमें कबीर व मुनाफिलनास, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो फ़ायदा क्या है कि हमें यहाँ बैठे पता चल जाता है कि देखो जी कितना शर्क हो रहा है, जाते हैं वहाँ झुकते चले जाते हैं, सजदे में बढ़ जाते हैं, तसल्ली नहीं होती, लंबे हो जाते हैं, फिर घसीट घसीट कर आगे जा रहे हैं। और यह आपका सबका वज़ीर आज़म तक पढ़ा लिखा यूरोप का जो क्वालिफाइड था, इसके भी आपने ये वीडियो देखे होंगे कि किस तरह जो है ना ये इस किस्म के सिलसिलों में पता नहीं समझ नहीं आती मत कहाँ मारी जाती है। अल्लाह के बंदो जब ये जिंदा था उस वक्त तो इसको सजदा जायज नहीं था, अब मर गया मट्टी के नीचे चला गया अब जो है ना वो सजदे शुरू हो गए। जब ये यहाँ पड़ा था उस वक्त तो ये आप रो रहे थे, माँ रो रही थी, बीवी बच्चे सब रो रहे थे, उठकर किसी को तसल्ली ना दे सका, अब अंदर जाकर सारी बिगड़ियाँ बना रहा है। और ये धोखे हैं, ये धोखे हैं, धोखों से निकले उस हय्युल कय्यूम को माने जिसके हाथ में सारे जहान के मामले हैं। तो ये बदनी इबादत वो भी उसको दे रखी है। जुबान से तारीफें, किस्से, कहानियाँ हमेशा सुनते रहें सुनते रहें, कभी आयत नहीं पढ़ेंगे, कभी हदीस नहीं पढ़ेंगे, इधर का किस्सा उधर का किस्सा, इधर वो किया, इतने अंधे जो थे वो सजाके हो गए, कोड़े जो थे वो भागने लगे, फलां हो गया, इधर ये हो गया, इतने हिंदू मुसलमान हो गए। अल्लाह के नबी तो जोर लगा लगा कर वो अबू जाल जाना वो नहीं मुसलमान हुआ, अबू लाभ जा अबू लाभ ही रहा वो मुसलमान नहीं हुआ। ये इतना ही सादा काम था, इतना ही आसान काम था, मुँह इधर किया सब मुसलमान हो गए, मुँह इधर किया ये हो गया वो हो गया, ये सब इन आसमान सब मई तमोहान सुल्तान। ये किस्से कहानियाँ, ये नाम नेहाज, ये सारे सिलसिले आपने गढ़े हैं, आपने बयान किए हैं, आप लोगों ने रखे हैं, अल्लाह ने ऐसा कुछ भी नहीं बयान किया, किसी का नहीं बयान किया, है ही नहीं। ये हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के, तो उसके हक जब किसी को ना दे। और देख ले ये इबादत का मामला भी, बदनी इबादत वो हो रही है कि नहीं हो रही, वो क्यों हो रही है कि दिल के अंदर क्या है कि ये जो सरकार है ना यही सारी करने वाली, सिर्फ इस जहान में नहीं अगले जहान में भी। और ये भी इतने दलेर हैं, अल्लाह इनको हदायत ही दे क्या करें। सरकार एक अपने मरीदों के पास जाती है, मरीद कहते हैं सरकार रोजे दिन ने रोजा तो रख लीदा, सवेर तो शाम तक रौला तो कोई नहीं है,
बाकी तो सब ठीक है, लेकिन दोपहर में ना हुक्के तो सबर नहीं होता। एक बार पी लिया करो, कोई गल नहीं, खैर। अब ये कौन है जिसकी ये हैसियत है कोई? ये अल्लाह है, सिर्फ उसका हक है कि वो आपको करेंगे ये काम इस तरह करना, ये इस तरह करना। ये अल्लाह की बराबरी हो रही कि नहीं हो रही? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि वो आपको बताएं कि शरीयत में ये करना ये नहीं करना। और ये बड़े धड़ल्ले से करते हैं, मैं जो बैठा फिक्र ना कर, ये कर ले वो कर ले, मैं ठेकेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम भी ऐसी मत मारी कि उन्हीं के पीछे सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और अगर कोई इस किस्म की आयतें पढ़ पढ़ कर बात बयान करे तो नतीजा बाहर निकल कर, आज मौलवी ने पुठा ही मजमून शुरू कर लिया। आज मौलवी पता नहीं कहता तो हीदा हैगा होया सी की ता चढ़िया सी। कतल कतल कोई हैगा नहीं, कोई मुझे परेशानी नहीं है। एक दर्द जरूर है मेरे सीने में कि या अल्लाह मेरा कोई भाई, मेरा छोटा बड़ा भाई, मेरा कोई बुजुर्ग, मेरा कोई बच्चा दोजख का ईंधन शिरक की वजह से ना भरे। आज इसको शिरक की वजाहत मैंने कर देनी है, बाकी इसके मुकद्दर कि ये शिरक है, ये शिरक है, ये शिरक है, ये तौहीद है, ये तौहीद है, ये तौहीद है, आगे आपकी मर्जी। अल्लाह ने गर्दन से पकड़ कर किसी को मुसलमान करने का ना तरीका इख्तियार खुद किया, ना हमें हुक्म दिया। हमें क्या बताया? ला इकराह फिद्दीन, जबर नहीं है। जिसने माना मान ले, जिसने नहीं माना ना माने। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। लेकिन दीन है क्या? वो मैं यकफुर बिताबूत व यूमिन बिल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में जो भी आता है पहले उसका इनकार करो। ये अल्लाह के मुकाबले तो फिर माँ बाप का इज्जत एहतराम का भी हमें आप कहते हैं तो फिर वो भी ना करें। अल्लाह के बंदो, माँ बाप का एहतराम है, बड़ों का एहतराम है, तो अल्लाह के कहने पर है, उसने कहा है, इसलिए ये इनकी अजमत, ये इनकी बड़ाई, ये बुजुर्गों का अदब एहतराम हम क्यों करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दी है, इसलिए ये जायज़ है। जहां सबक ना हो वहां नहीं जायज। लेकिन ये तो सारे सबक हमें अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिले हैं, लिहाजा ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये शैतानी फलसफे जो हैं, वसवसे जो हैं साथ वो भी आ जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं उन सब को देखें कि कहाँ पे क्या मामला है, जो दुरुस्त मामला है उसकी तरफ जरा अपने आप को लाएं। और सिर्फ ये कब्रों की हद तक नहीं मामला बिगड़ा हुआ, हमारी ज़िंदगी में जहाँ दो बर्तन होते हैं उनमें टकराव हो जाता कि नहीं हो जाता? जहाँ दो इंसान हैं उनमें भी टकराव हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है, कोई झगड़ा पैदा हो गया। अब झगड़े के बाद हमारा रोह किधर होता है? झूठा वकील केड़ा आया मैं उन्हें जाके करा? ईमानदारी से बताएं, मेरे दो बेटे वकील हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मुझे पता है जो कुछ हो रहा है। हमेशा उनसे यही कहता हूँ, बेटा एक सच्चा होता है कि झूठा होता है, सच्चे के साथ खड़े होना है। और जिसके साथ खड़े हो गए फिर डट कर खड़े होना, ना मौत से डरना ना पैसे के लालच में आना है, सच्ची बात करना जो भी है। बहरहाल अब हमारी कोशिश क्या होती है कि ऐसा वकील को पुराना और सबसे बड़ा जो झूठा मशहूर है ना वो तलाश करें, क्योंकि मैं झूठा हूँ, मुझे पता होता है, अंदर से हर एक को पता होता है कि मैं सच्चा हूँ झूठा। अब अगर हम दोनों नमाजी भी हैं, इधर मस्जिद में नमाजें भी पढ़ने वाले हैं, जितने अदालतों में बैठे हैं ये सारे मुसलमान हैं, या इनमें से एक हिंदू से एक है और दूसरा मुसलमान है, सारे मुसलमान हैं, अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद के ये नमाजी भी हैं। अब ये मौलवी के पास नहीं जाते कि मौलवी साहब वैसे हमें बड़े मसले पूछते हैं, बड़े मसले पूछते हैं जी, नमाज में ऐसे, ज़कात में ऐसे, रोज़े में ऐसे, हज में ऐसे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कभी किसी ने कहा जी हमारा झगड़ा हो गया इसमें बताएं कि हम क्या करें? अब क्या और अब वो जो अंग्रेज़ का निज़ाम है ताबूत वाला, हम उसके पुजारी हैं। ये दीन सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं कि मस्जिद के अंदर हम लोटे और मसल्ले वाले मोमिन बन जाएं और बाहर निकलकर जो जी चाहे करते फिरे, जिसके पीछे चाहे जी चाहे हम लगे फिरे। नहीं, अल्लाह ताला ने किस लिए ये नाजिल किया है दीन को? वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीन लकिल युज़हिरहु अलद दीन कुल्ले, जितने निज़ाम हैं बातल के उन सबको ख़त्म करके उनके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम जो है ये गालिब करने के लिए ये दीन आया है। अब हमारा हाल क्या है, हम किधर जाते हैं? वो अंग्रेज़ का जो कानून है पता नहीं 1835 का कब का लाज है, वही चल रहा है इधर, और उसी के हम सारे फॉलोअर्स बने हुए हैं।
कई मसले मुझे लोगों ने मशवरे दिए, जी इसमें जो है ना जी वो आपका हक बनता। मैंने कहा यार ये दाढ़ी किस लिए, नमाजें किस लिए? अगर तू मुझे ये कहता कि अंग्रेज के पीछे कानून के पीछे चल कर यहाँ जाना है, तू भी स्टैंड ले ले। मैं कहा नहीं, शरीयत में मेरा हक बनता, मैं नहीं आपकी बात मानता, जाओ किसी और ने खुलाकर मशवरा दो। ये कोई फख्र की बात नहीं, ये थोड़ा सा मुसलमान होने का नतीजा है, बहुत बड़ा मुसलमान नहीं, मामूली सा मुसलमान होने का नतीजा। तो हम सारे जो हैं थोड़े थोड़े मुसलमान तो बने ज़रा। ये जितने झगड़े आप वहाँ लेकर बैठे हैं, अपनी मस्जिद के मौलवी साहब के पास लाए और कहें जी ये यार हमारा झगड़ा है, इसमें बताओ शरीयत क्या कहती है, लेकिन हम इधर आने के लिए तैयार नहीं। फीस पे फीस, फीस पे फीस, छोटी कोर्ट, बड़ी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी जिंदगी उसमें खपते रहते हैं, खपाते रहते हैं पैसा भी और अपने सारी सलाहियतें। और नतीजा क्या है? وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے 44 جا کر قرآن کھول کر دے گے قرآن کی پانچویں سورت ہے اس کی آیت نمبر 44 ہے اللہ کافر کہہ رہا ہے مولوی پہ نا الزام لگائیں کہ مولوی دیکھو جی کتنی سخت زبان استعمال کرتا ہے وَمَلَّمْ يَحْكُمْ جو نہیں فیصلے کرتے بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ جو اللہ نے نازل کیا ہے اگر اللہ پر ایمان ہے تو اس کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا نہیں لاتے ہو قرآن ملک میں قانون نہ لائے یہ اپنی جگہ پہ جواب دے ہیں آپ تو کم از کم یہ کر کے دکھائیں نا کہ میں یار ہم دونوں نمازی ہیں کیوں ہم عدالتوں میں دھکے کھاتے پھریں کیوں ہم فیسیں برباد کرتے پھریں قرآن کیا کہہ رہا ہے اگر ہم یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہ آیت نمبر 44 میں اس سے اگلی آیت 45 میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ظالم ہیں اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں اور اسی سورت کی آیت نمبر 47 44 45 47 اس میں اللہ کیا کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فاسق ہیں بدکار ہیں خام کھا کے دیندار بنے پھرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو بھی يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن یہ تمہاری دینداری کوئی دینداری نہیں اللہ کیا فاسق فاجر ہو اب جتنے یہ حاجی نمازی یہ عدالتوں میں کیس کرنے والے دونوں پارٹیاں اگر وہ مومن ہیں تو اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ کر انہیں کہا یار یہ ہمارا مسئلہ ہے کوئی بات نہیں بتا دے جو شریعت کہتی میں ماننے کو اگر میں مسلمان ہوں شریعت سے پڑھ کر میرے لیے کون سا قانون ہے یہ خالی رفج دینا آمین رہ گیا یہی مسئلے رہ گئے بس اس کے علاوہ کوئی نہیں اصل مسئلے یہ ہیں جب تک یہ سوچ یہ فکر غالب نہیں ہوگی کوئی دین نہیں ہے یقین جانے کوئی دین نہیں کیوں اللہ کہتا ہے میں نے دین بھیجا تو اس لیے تھا تم نے کبھی سوچا ہی نہیں تمہارے دل میں اس کو غالب کرنے کی کبھی سوچ پیدا ہی نہیں ہوئی فکر پیدا ہی نہیں ہوئی کوشش کی نہیں تم نے نہیں ملک میں ہم لا سکتے ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن اپنی حد تک تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے میرا جھگڑا ہے میرا معاملہ ہے میں کیوں عدالت میں جاؤں میں مولوی صاحب کے پاس جاتا ہوں مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں جی مجھے بتائیں جی اس میں میرا کیا حق ہے جو میرا حق ہے بس ٹھیک ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا کرے اس لیے اللہ نے قیامت رکھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جائے لیکن اس کے باوجود اللہ نے قیامت اس لیے رکھی ہے کہ اور یہاں آپ نے بہت تقوی والی زندگی بسر کی اس کا صلہ نہیں ملا الٹا آپ کو تکلیفیں دیکھنی پڑی لیکن اللہ جب آپ کو صلہ دے گا تو یہ سارے دکھ دور ہو جائیں گے ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی شرط کیا ہے اللہ پر ایمان خالص کرے لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے پہلے جو بھی اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں ان سب کا انکار کرو اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا اس سے نکلو اور پھر جا کر اللہ کی باری آئے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا ہم ان کو چھوٹی سمجھ کر نا درگزر کرتے چلے جاتے ہیں ادھر یا اللہ مدد کے بھی نعرے لگائیں گے باہر نکل یا رسول اللہ مدد کے بھی نعرے لگائیں گے یا علی مدد کے بھی نعرے لگائیں گے یا غوث الاعظم مدد کے بھی نعرے لگائیں گے اب سب کو برابر کیا آپ نے کہ نہیں اللہ سے بھی آپ مدد مانگ رہے ہیں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد رسول اللہ سے بھی مدد اسی طرح مانگ رہے ہیں جس طرح اللہ سے بغیر وسائل کے مانگ رہے ہیں یا علی مدد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ مانگ رہے ہیں یا غوث الاعظم مدد اب ان سے بھی آپ مدد مانگ رہے ہیں تو چاروں کو آپ نے برابر کر دیا شرک اور کس کا نام ہے اللہ کے برابر اللہ کا حصہ دار کسی کو کھڑا کرنا اسی کا نام تو شرک ہے وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون تو جو اکثر لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن شرک کی علائش بھی ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شرک کی علائش سے ہمارے ایمان کو پاک کرے ہمیں خالص توحید والا ایمان نصیب کرے ہمیں خالص توحید والی زندگی جو ہے وہ نصیب کرے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ جنت یقینی ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يكفر بالطاغوت جو کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز کا انکار کرتا ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لاتا ہے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى اس نے ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈالا لَنْ فِسَامَ لَهَا جس کو ٹوٹنا نہیں وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين